सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 3s2x इक्वल टू 4s2y और दी है x प्लस y इक्वल टू 1। ये दोनों चीजें दी गई है और सिंपली हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे दो मेथड से, ठीक है। दो मेथड में बताऊंगा आपको, जो भी अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो, लेकिन दोनों मेथड को ध्यान से देखना, दोनों अलग अलग है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैं इनको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, x प्लस y इक्वल टू 1 दिया गया है। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या होगी, x की वैल्यू 1 माइनस वाई, ये पहला मेथड है, राइट। x इक्वल टू 1 माइनस वाई। अब इस x की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूंगा x की जगह पर, तो 3s2 1 माइनस वाई इक्वल टू 4s2 वाई। अब 3s2 1 माइनस वाई इसको लिख सकती है 3 / 3s2 वाई, ठीक है, इक्वल टू 4s2 वाई। अब 3s2 वाई का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 12s2 वाई इक्वल टू 3। 4 × 3 = 12 हो जाएगा, डायरेक्ट क्यूब की पावर में जो नंबर है वो सेम है। तो जब भी पावर में नंबर सेम होता है दोनों का मल्टीप्लाई डायरेक्टली से कर सकते हैं। तो 12s2y इक्वल टू 3। अब दोनों तरफ मैं लॉग लूंगा क्योंकि हमें y फाइंड आउट करना है, इसलिए तो y इंटू 12 इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या होगा, 3 / 12। और मैंने, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हुआ है जो मैंने बताया था लॉगरिथम के ऊपर, तो आपको पता होगा कि मैंने वहां पर बताया था कि ln a / ln b होता है तो उसको लिख सकते हैं हम log a / b, ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज करेंगे तो आंसर क्या है, log 3/12। तो वाई की वैल्यू मिली हमें ये log 3/12। अब वाई की वैल्यू मिल गई तो हमें एक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एक्स की कैसे, 1 - y, 1 - log 3/12। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए 1 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, log 12/12 लिख सकते हैं, राइट, क्योंकि यहां पर जो कोई भी नंबर ले सकते हो आप, इसको log 3/3 लिख सकते हो, 10/10 लिख सकते हो, लेकिन मैंने 12/12 क्यों चुना, क्योंकि यहां पर बेस में 12 है, जिसकी वजह से हमें इसको सोल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। इसलिए जब भी यहां पर दोनों नंबर सेम होगा तो उसका आंसर रहेगा 1 - log 3/12। अब देखिए, log a - log b हो गया तो इसका आंसर क्या आएगा, log 12/3, तो आंसर आएगा log 4/12 = x। ये वैल्यू होगी x की। तो हमें यहां पर x और y दोनों की वैल्यू मिल चुकी है पहली मेथड से, राइट। x y की वैल्यू क्या होगी, log 3/12 और x की log 4/12। ये पहला मेथड था जो थोड़ा लंबा था मेरे हिसाब से, और मैं आपको एक और मेथड बताऊंगा जो इससे छोटा होगा, लेकिन उसको ध्यान से देखना। यहाँ पर है 3s2x इक्वल टू 4s2y। यहाँ पर मैंने लॉग लिया आगे चल के, ठीक है, पहले मैंने इस तरीके से सोल्व किया इसको, इसका यूज करके, लेकिन इस बार मैं इसका यूज नहीं करूंगा। सबसे पहले डायरेक्ट यहाँ पर लॉग लूंगा x इंटू ln 3, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ पर y इंटू ln 4 हो जाएगा। तो x डिवाइड बाय y क्या आया, ln 4/ln 3, हमें एक रेशियो मिला। अब अगर इसके बराबर में मैं k एज्यूम करूं तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू k इंटू ln 4 एंड y इक्वल टू k इंटू ln 3, ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, x बराबर ln 4 इक्वल टू k। और अब हम यहां पर उसका यूज करेंगे x + y = 1। x + y = 1, x की वैल्यू क्या है, k इंटू ln 4, k इंटू ln 3, y की वैल्यू इक्वल टू 1। अब इन दोनों में से मैं k कॉमन निकालूंगा तो ln 4 + ln 3 क्या होगा, ln a + ln b क्या होता है, ln ab, तो 4 × 3 का मल्टीप्लाई क्या होगा, ln 12 = 1। तो k की वैल्यू में क्या मिली, 1 / ln 12। और सिंपली इस k की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो मैं कौन सी वैल्यू मिलेगी, x की, क्या है, k की वैल्यू क्या, ln 12, ऊपर है ln 4/ln 12। तो इसको इस प्रॉपर्टी को अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, log 4/12। तो ये x की वैल्यू हमें ऑलरेडी यहाँ पर मिली है, ये दूसरी मेथड से हमने फाइंड आउट की। और y की वैल्यू ln 3/ln 12, जिसको लिख सकते हैं हम log 3/log 12, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेम आ गई है दोनों की वैल्यू। तो हम इसको दो तरीके से सोल्व, और भी बहुत सारे तरीके जिसकी मदद से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर मैंने दो बेहतरीन मेथड बताए आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक कर सकते हो, एंड अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।